की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं मुख्तलिफ शोबे की जो रिपोर्ट को भेज रही हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अब इस मुल्क की बका के लिए सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि इस मुल्क की बका के लिए ये वक्त बिल हमारे सामने है। और मैं हमारे नसीर साहब से भी हमारे मिनिस्टर जमीर साहब से भी कहना अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बताएं बताया गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के MIM के भी हैं और SDPI के भी लीडरान मौजूद हैं। इन सब का हम तहजल से इस्तेमाल करते हैं इस मीटिंग में। तो मैं ये अर्ज़ करना था कि इस वक्त के रहमान खान साहब भी मौजूद हैं और दीगर हजरात भी मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा क्रूशियल इशू है और क्रूशियल मौका है। कांग्रेस को भी पॉलिटिकली अपनी इमेज भी बाकी रखनी चाहिए, इमेज बनाना भी चाहिए और इमेज बनाने से ज़्यादा उसको इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि इतने नाजुक इशू पर हमारा मौक़िफ क्या है वो वाज़ेह होना चाहिए। हमें खुशी है ये बात सुनकर कि कांग्रेस ने और दीगर तमाम सेकुलर पार्टियों ने हमारा सपोर्ट किया पार्लियामेंट के अंदर इस बिल के मौके पर और गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन अब जो JPC में गया है अब दोबारा जब आएगा तो वोटिंग होगी तो हम पहले अपने दुख और दर्द का इजहार इस बात से कर दें कि हम कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप को अपना मौक़िफ़ अपने खुद बरह रास्त सदर मोहतरम की मौजूदगी में बताना चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जो हमारा इंटरेक्शन कांग्रेस पार्टी से पहले था उतना मजबूत नहीं था। मैं आपसे ये बात इससे पहले जब मैं तकरीबन 1.5-2 महीने पहले आया था तब भी मैंने कहा था और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी से मुलाकात की हुई और खड़गे साहब से मुलाकात की हुई। यहाँ के कई लीडरान ने और हिंदुस्तान में कई कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने मुझसे ये वादा किया कि हम आपकी ज़रूर मुलाकात करवाएंगे। अभी तक मुलाकात हो सकता है। अब हम जब दीगर पार्टियों से बात करते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम पर्सनल सपोर्ट की मुलाकात और 2 महीने से 2.5 महीने से कांग्रेस ने लीडरशिप नहीं हो पा रही है तो हमको अच्छा नहीं लगता है तो हमको भी ताज्जुब होता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर हमारा इंटरेक्शन इतना कमज़ोर होगा हम वक्त पर अगर अपनी बात नहीं बता सकें तो बताइए कि उम्मत कैसे भी सपोर्ट पॉलिटिकली सपोर्ट करेगी आपको। मैं मुलाकात हो या नहीं हो हमें मुलाकात करने का शौक नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि ज़रूर मुलाकात हो और मुलाकात में हम ये बात वाजे कर दें कि इसके नुकसान क्या हैं। उनको अभी तक पता चला होगा वो अखबार में पढ़कर पता चला होगा आप हजरात नहीं बना लेकिन जितना टू द पॉइंट हम लोगों को पॉइंट आउट करके बता सकते हैं वो कोई और नहीं बता सकता। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप अपने तमाम MPs को व्हिप जारी करें बट वोटिंग के वक्त अगर व्हिप जारी नहीं की वोटिंग के वक्त अगर कांग्रेस की प्रेजेंस मान लीजिए ये BJP शरारत के अंदर जुमे के लिए आती है और आमतौर पर इस तरह के मौके पर ऐसा होता है जुमे की नमाज के बाद प्रेजेंस हमारी कमज़ोर हो जाती है। क्यों कहा सर हमारी प्रेजेंस कमज़ोर होती है इस तरह के मौके सिचुएशन आ जाए कांग्रेस की अगर एकदम क्लियर मौके हो कि हमको हर हाल में सपोर्ट करना है एक आदमी भी हमारा MP अगर हाजिर नहीं रहेगा जीवर सेकुलर पार्टी की जिम्मेदारी है सिर्फ आपकी सभी पसंद की जिम्मेदारी है तो ये हम कामयाब हो सकते हैं बिल्कुल नाकाम करना है। अगर एक हल्का फुल्का एक तरीका रहा हमारा और उनकी प्रेजेंस ज़्यादा रही तो हम हमारी तमाम जान तोड़ कोशिश है हमारी उसमें हम नाकाम हो सकते हैं। तो मेरी आपसे कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप और दीगर तमाम पोलिटिकल पार्टी सेकुलर पार्टियों की लीडरशिप यहाँ मौजूद हैं मेरी दरख्वास्त है कि सब मिलजुल कर कोशिश करें अगर सब मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। ये वक्त पे रिजेक्ट होगा
और हमको किसी हालत में कोशिश करना है। ये वक्त लेट हो गया, मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ आपसे मद्रास से कि कांग्रेस सीनियर लीडरशिप से हमारा अपॉइंटमेंट दिलवाएं और आइंदा भी आपसे साफ कर दें कि अगर हम 24 घंटे के अंदर अपॉइंटमेंट चाहे तो आपको मिल जाना चाहिए। कोई मजबूर में तो बात आएगी, हम जब आपसे वक्त मांगे हैं तो कम्युनिटी इशू हमारा साथ मुलाकात करने और कम्युनिटी का कोई इशू होगा तभी हम